जैसे हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है उसी तरह जानवरों को रहने के लिए भी घर चाहिए तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में सम एंड सब्सटेंस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेयर डू एनिमल लिव जानवर कहाँ रहते हैं एनिमल्स होम और हम एनिमल्स होम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हर जानवर एक जैसे घर में नहीं रह सकता उसको रहने के लिए अलग अलग घर चाहिए कैसे हाथी का साइज बड़ा होता है तो हाथी अपने अकॉर्डिंग अपने घर में रहता है शेर अपने घर में रहता है इसी तरह कुत्ता मतलब डॉग हॉर्स और गोट अलग अलग घरों में रहते हैं सबके घर अलग अलग होते हैं बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट वी विल डू वन क्वेश्चन राइट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स दिखते होंगे आपको क्या करना है उनमें से कुछ जानवरों के नाम लिखने हैं जो आप अपने आसपास है. Animals live एनिमल्स लिव इन होम टू प्रोटेक्ट heat, कोल्ड एंड रेन जानवर घरों में रहते हैं किस लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आंधी तूफान ठंड और गर्मी से सम एनिमल्स आर बाय बिगर एनिमल्स आर होम्स प्रोटेक्ट डेम फ्रॉम अदर एनिमल्स अटैक कुछ छोटे जानवरों का शिकार बड़े जानवर करते हैं तो वो जानवर अपने आप को शिकार होने से बचाने के लिए घरों में रहते हैं नाउ वी विल वेयर डू एनिमल लिव जानवर कहाँ रहते हैं सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड डॉग कैट एलिफेंट एंड मैनी बहुत से ऐसे जानवर हैं जो धरती पर रहते हैं जमीन पर रहते हैं जैसे डॉग कैट काओ लॉय और एलिफेंट ये सब कहा रहते हैं लैंड पर रहते हैं सम एनिमल्स लिव इन वाटर और कुछ जानवर पानी में रहते हैं कौन कौन से ऑक्टोपस क्रैप स्टारफिश फिश सी हॉर्स एंड मैनी आपको बताया मछली फ्रॉग एलिगेटर डग स्टार फिश ऑक्टोपस ये सब कहाँ रहते हैं पानी में रहते हैं देयर आर एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं वो होते हैं फ्रॉग एलिगेटर डग ट्रॉइ लॉबस्टर एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर डग एलिगेटर फ्रॉग ये वो जानवर है जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं नाउ वी विल लर्न अबाउट एनिमल्स होम अब हम जानवरों के घर के बारे में पढ़ेंगे अ लॉयन लिवस इन अम कहाँ रहता है डेन डेन मतलब गुफा में रहता है मंकी लिव्स ऑन अ ट्री बंदर बंदर कहाँ रहता है पेड़ पर रहता है उछलता रहता है कभी इधर तो कभी उधर स्नेक लिव्स इन अ होल सांप कहाँ रहता है होल बिल में रहता है A बर्ड ले eggs एंड रेज इट्स यंग वन इन अ nest. चिड़िया चिड़िया घोंसले में अपने अंडे देती है और उनमें से छोटी छोटी चिड़िया निकलती है तो चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण घोंसले में करती है a cow lives in इन shed. गाय छप्पर में रहती है जिसे हम शेड कहते हैं A डॉग लिव्स इन अ कैनल डॉग कैनल में रहता है

लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड होम टू लिव हमारी तरह जानवरों को भी रहने के लिए घर चाहिए वॉटर फ्रॉक एलिगेटर लॉबस्टर एसेक्ट्रा लिव बोस्ट ऑन लैंड एंड इन वॉटर नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे तो सबसे पहली एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन को चूज करिए कहा रहता है डेन कूप कैनल या नन ऑफ दीज डॉग रहता है कैनल में नंबर टू अ बर्ड लिव्स इन आ चिड़िया कहाँ रहती है बुरो डेन नेस्ट या नॉन ऑफ दिज चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाती है जिसे हम नेस्ट कहते हैं एनिमल्स ऑल्सो नीड होम टू डैश इन जानवरों को भी घर चाहिए किस लिए प्ले खेलने के लिए खाने के लिए रहने के लिए या नॉन ऑफ दिज उन्हें घर चाहिए लिव रहने के लिए डैश लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर कौन सा जानवर दोनों जगह रहता है जमीन पर भी और पानी में भी डॉग लॉयन फ्रॉग या न तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉग मेंढक जो पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है नाउ एक्सरसाइज बी मैच फॉलोइंग कॉलम्स अब आपको सही मिलान करना है दो कॉलम दिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में कुछ जानवरों के नाम हैं और दूसरे कॉलम में उनके घरों के नाम हैं, तो आपको सही मिलान करना है नंबर वन है मंकी मंकी रहता है मंकी ट्री पर रहता है तो हम मंकी को मैच करेंगे ट्री से नंबर टू काउ काउ कहाँ रहती है काउ रहती है शेड में तो हम काउ को मैच करेंगे शेड से नंबर थ्री रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है रैबिट बुरो में रहता है तो हम रैबिट को बुरो से मैच करेंगे स्पाइडर स्पाइडर रहता है वेब में जाला बनाता है मकड़ी का जाल एंड लास्ट वन बर्ड बर्ड रहती है नेस्ट में नेस्ट किसे कहते हैं हम घोंसले को नाउ एक्सरसाइज सी फिल इन द ब्लैंक यूजिंग हेल्प बॉक्स अब आपको खाली स्थान भरने हैं हेल्प बॉक्स दिया हुआ है उसकी हेल्प से नंबर है डैश एंड रेज इट यंग इन अ चिड़िया चिड़िया क्या देती है चिड़िया देती है एग अंडे देती है और अपने यंग अपने बच्चों को बड़ा करती है कहां पर वो अपने बच्चों को बड़ा करती है नेस्ट में नेस्ट में अंडे देती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है स्मॉल एनिमल्स आर ऑफ्टन अटैक बाय डैश एनिमल छोटे जानवरों का शिकार कौन करता है उनका शिकार कैसे जानवर करते हैं बिगर बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं नंबर थ्री अ रैबिट लिव्स इन अ रैबिट खरगोश कहाँ रहता है रैबिट रहता है बुरो में हम यहां लिखेंगे बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू बुरो नाउ फोर एंड फाइव You will do by yourself so my dear student in this chapter we have learned about animals and animals homes i hope you like this video stay tuned for next video till then take care bye bye